नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विष्णु एजुकेशन ग्रुप पर। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग स्वस्थ भी होंगे और मस्त भी होंगे। जिलों की श्रृंखला के अंदर हम आज केरतल तिजारा जिले के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा जिला पढ़ेंगे आज हम? केरतल तिजारा। हेडिंग लगाओ केरतल तिजारा। केरतल तिजारा अलवर से काटकर एक नया जिला बनाया गया है। लिखो अलवर से काटकर एक नया जिला बनाया गया है। केरतल कहां से काटा गया है? केरतल अलवर से काटा है और अलवर से काटकर एक नया जिला बनाया गया है। जो एक केरतल है ना, इसकी सीमा किससे लगती है? हरियाणा राज्य से सीमा लगती है। केरतल तिजारा की हरियाणा राज्य से सीमा लगती है। जो केरतल तिजारा है इसकी हरियाणा राज्य से सीमा लगती है, यानी अंतर्राज्य सीमा बनाता है। कौन सा जिला? केरतल तिजारा अंतर्राज्य सीमा बनाता है और इसकी सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। केरतल तिजारा के अंदर 5 उपखंड और 7 तहसील है। लिखो 5 उपखंड और 7 तहसील। केरतल तिजारा के अंदर 5 उपखंड और 7 तहसीलें। कितनी तहसीलें? 7 तहसीलें। 7 तहसील कौन कौन सी है? एक तो है तिजारा, टपुकड़ा, केरतल, किशनगढ़ बास, कोट कासिम, अरसोली, मुंडावर। लिखो एक नंबर पे तिजारा, एक नंबर पे लिखो तिजारा, दो नंबर पे लिखो टपुकड़ा, तीन नंबर पे लिखो कोट कासिम, चार नंबर पे लिखो आप मुंडावर, पांच नंबर पे लिखो केरतल, छह नंबर पे लिखो हरसोली और सात नंबर पे लिखो किशनगढ़ बांस, किशनगढ़ बांस। सात तहसीलें तिजारा, टपुकड़ा, कोट कासिम, मुंडावर, केरतल, हरसोली, किशनगढ़ बास, केरतल के अंदर 7 तहसीलें। 7 तहसील कौन कौन सी? एक तो तिजारा है, टपुकड़ा है, कोट कासिम है, मुंडावर है, केरतल है, हरसोली है, किशनगढ़ बास है। केरतल जिला मुख्यालय है पर उपखंड नहीं है। जो है केरतल है जिला मुख्यालय है, केरतल जिला मुख्यालय उपखंड नहीं है। जो है केरतल है ना, इसको जिला बनाया गया है। ये जिला मुख्यालय तो है लेकिन उपखंड नहीं है। यहाँ पर उपखंड नहीं है कहाँ पर? केरतल के अंदर। केरतल जिला मुख्यालय पर उपखंड नहीं है। जो एक केरतल है इसका प्राचीन नाम है कायस्थल। प्राचीन नाम क्या है इसका? लिखो केरतल का प्राचीन नाम कायस्थल। केरतल का प्राचीन क्या नाम है? केरतल का प्राचीन नाम है कायस्थल। अब आप लिखो भिवाड़ी। भिवाड़ी पहले कहां था? भिवाड़ी पहले अलवर के अंदर था लेकिन अब भिवाड़ी कहाँ गया? भिवाड़ी आ गया केरतल तिजारा के अंदर। लिखो भिवाड़ी के आगे केरतल तिजारा, भिवाड़ी के आगे लिखो केरतल तिजारा। अभी भिवाड़ी के अंदर क्या क्या है? यह राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है।
भिवाड़ी है ना, यह राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। भिवाड़ी राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। भिवाड़ी के अंदर ही लिखो, भिवाड़ी राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर, राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहाँ है? भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ है? भिवाड़ी ये खेरदल तिजारा के अंदर जो नोट होते हैं, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? नोटों की स्याही बनाने का कारखाना भी भिवाड़ी के अंदर है। लिखो इसके अंदर ही, नोटों की स्याही बनाने का कारखाना, नोटों की चाय बनाने का कारखाना कहाँ पर है? नोटों की चाय बनाने का कारखाना भी भिवाड़ी के अंदर है। और भिवाड़ी कहाँ पर है? भिवाड़ी खेरथल तिजारा के अंदर। जो ये भिवाड़ी है, इसके अंदर ही सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री है। लिखो इसके अंदर ही, सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? भिवाड़ी के अंदर। और भिवाड़ी कहाँ पर है? भिवाड़ी है केरतल तिजारा के अंदर। जो ये भिवाड़ी है, इसके अंदर ही एक ट्रक आता है, कौन सा? अशोका लीलैंड। अशोका लीलैंड की फैक्ट्री कहाँ पर है? अशोका लीलैंड की फैक्ट्री भी भिवाड़ी के अंदर है। आता है ना एक ट्रक, कौन सा? अशोका लीलैंड ट्रक, जानते हो ना? उसकी फैक्ट्री कहाँ पर है? अशोका लीलैंड की। अशोका लीलैंड की फैक्ट्री है भिवाड़ी के अंदर। और भिवाड़ी कहाँ पर है? केरतल तिजारा के अंदर। देखो हम पढ़ रहे थे केरतल तिजारा अलवर से काट कर एक नया जिला बनाया गया। कहाँ से काटा है इसको? अलवर से काटा है। और अलवर से काट कर एक नया जिला बनाया गया है। किसको? केरतल तिजारा को। केरतल तिजारा की सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। केरतल तिजारा की सीमा किससे लगती है? हरियाणा राज्य से सीमा लगती है। इसके अंदर 5 उपखंड और 7 तहसीलें। 7 तहसील कौन कौन सी है? तिजारा है, टपुकड़ा है, कोट कासिम है, मुंडावर है, खेरतल है, हरसोली है और किशनगढ़ बांस है। कितने तहसील हो गए? 7 तहसील हो गए ना। अब ये खेरतल है, एक खेरतल जिला मुख्यालय तो है पर उपखंड नहीं है। इस खेरतल के अंदर जिला मुख्यालय तो है, खेरतल को जिला तो बना दिया, लेकिन ये यहाँ पर उपखंड नहीं है। ये खेरतल का प्राचीन क्या नाम है? प्राचीन नाम है कायस्थल। खेरतल का प्राचीन नाम कायस्थल है। अब खेरतल के अंदर ही एक औद्योगिक नगर है, कौन सा? भिवाड़ी। जो भिवाड़ी है यह राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। भिवाड़ी को राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। अब आपको पूछे राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भिवाड़ी खेरतल तिजारा को राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कहते हैं। भिवाड़ी के अंदर ही नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना कहाँ पर है? भिवाड़ी। भिवाड़ी खेरतल तिजारा के अंदर है। सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री कहाँ पर है? सेंट गोबिन ग्लास फैक्ट्री भिवाड़ी खेरतल तिजारा के अंदर है। जो ये भिवाड़ी है, इसके अंदर ही अशोका लेलैंड की फैक्ट्री है। एक ट्रक आता है ना बड़ा सारा, अशोका लेलैंड वाला, उसकी फैक्ट्री कहाँ पर है? उसकी फैक्ट्री है भिवाड़ी। भिवाड़ी कहाँ पर है? खेरतल तिजारा के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट लिखो, टपुकड़ा में होंडा स्कूटर बनता है। लिखो टपुकड़ा में होंडा स्कूटर बनता है। टपुकड़ा के अंदर ही होंडा का स्कूटर बनता है। कौन सा स्कूटर बनता है? टपुकड़ा के अंदर होंडा का स्कूटर टपुकड़ा के अंदर बनता है। एक माता है परी माता। परी माता का मंदिर कहाँ पर है? खेरतल के अंदर। लिखो परी माता का मंदिर। पापा की परी का नहीं, परी माता का। ये पाप परी माता का मंदिर खेरतल के अंदर। परी माता का मंदिर कहाँ है? परी माता का मंदिर है खेरतल के अंदर। आगे लिखो आप, अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। लिखो अलाउद्दीन आलम शाह का
मकबरा। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहां पर है? केरतल के अंदर, केरतल के अंदर। अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहां पर है? अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा है केरतल के अंदर। आगे लिखो पुष्प पार्क, पुष्प पार्क, पुष्प पार्क कहाँ है? पुष्प के अंदर क्या आती है? खुशबू, तो कुशखेड़ा के अंदर पुष्प पार्क है, कुशखेड़ा। कुशखेड़ा कहाँ पर है? केरतल तिजारा के अंदर। पुष्प पार्क कहां पर है? कुशखेड़ा। और कुशखेड़ा कहां पर है? केरतल तिजारा के अंदर। एक चीज और लिखो आप, राज्य का सबसे प्रदूषित शहर, सबसे प्रदूषित शहर, राज्य का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? भिवाड़ी। और भिवाड़ी कहां पर है? खैरथल तिजारा के अंदर। पहली भिवाड़ी अलवर के अंदर था, लेकिन खैरथल तिजारा को नया जिला बना दिया, तो भिवाड़ी कहाँ आ गया? खैरथल तिजारा के अंदर आ गया। यहां तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए जिले के साथ।